कि ये कंपनी लॉन्च हुआ लॉकडाउन के बीच। लॉकडाउन के बीच मैक्सिमम कंपनीज बंद हुआ है, पता है, लोगों का जॉब गया है, राइट, लोगों का सैलरी कट्स हुआ है, पीपल हैव फेस्ड सीवियर फाइनेंशियल चैलेंजेस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेलजेनिक्स वॉज लॉन्च्ड, वॉज इट अ गुड आइडिया? यस, दैट वॉज द बेस्ट आइडिया कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को ऐसा कुछ सिखाए ताकि वो घर बैठ के भी अच्छा खासा इनकम ले सके। When I go to sleep, I sleep so peacefully. कि किसी के घर पे 65,000 उस दिन आया, किसी के घर पे 3 लाख की सजा भी आया recently. And this is a huge thing. अगर कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, ट्रेनिंग से अलग से घर बैठे जो काम वो खुद करते हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर, he can do that. जो चीज मैंने काफी फेस किया था कि जब मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया कि कस्टमर केयर इज नॉट दैट प्रॉम्प्ट। हम अगर कोई भी प्रॉब्लम वहां पे पोस्ट करते हैं या कंप्लेन पोस्ट करते हैं तो रिप्लाई आने में बहुत लेट होता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर मैं आपको माइक लेके बोल रही हूँ दावे के साथ कि जैसे ही कोई क्वेरी आता है विद इन 15 मिनट्स रिप्लाई आता है। आता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर इट इज रिजॉल्व्ड, जबकि हमने कंपनीज में देखा है हफ्ते हफ्ते भर रिजॉल्व नहीं होते। सो वी आर प्राउड, जो चीजें हमने लाने की कोशिश किया, जो चीजें हम चाह रहे थे कि हमको बेहतर बना सकता है, वो हर चीज का हमने ख्याल रखा और वो हर चीज में हम इम्प्रूव करते गए। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वहां पे एक बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना, ऐसे हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। कई लोग हैं जो लोग 20-22 साल से ट्रेडिंग छोड़ दिया था, दे हैव कम बैक एंड दे आर ट्रेडिंग। वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर प्राउड ऑफ दैट इफ यू आर डूइंग दैट। इससे पहले ना हमेशा नेटवर्किंग कंपनीज में सिर्फ नेटवर्कर्स को बोनसा दिया गया है, एम आई राइट? यस। कस्टमर को कुछ दिया जाता था क्या अगर वो काम नहीं करता था? तो कभी नहीं दिया जाता। वी आर द फर्स्ट कंपनी हु अनाउंस स्कॉलरशिप फॉर द यूजर्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, और कोशिश ये करता हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर आपको वो फॉर्मूला मिले जो फॉर्मूला मैं पिछले 12 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री ने मुझे वो सब कुछ दिया, मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ की। सब कुछ का मतलब समझते हो ना, सब कुछ इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया, नाम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, करोड़पति का लेबल जो लगा वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से लगा। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, कुछ मेरे मित्र भी हैं, यहाँ 6x8 के चौल में रहता है पूरा मुंबई में, तो वो चौल तो कहने के लिए होता है, बेसिकली वो झोपड़पट्टी या स्लम ही होता है, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ बाथरूम था, शौचालय तो बाहर ही था। तो वो सिचुएशन में मेरा लाइफ पूरा बचपन वैसे गुजरा है। ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल की उम्र में था। एट द एज ऑफ 20 इयर्स मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी में जॉब नहीं करूंगा। कोई खास दुश्मनी जी? बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं। मेरे पिताजी डोर कीपर थे आकाश सिनेमा थिएटर में, और मैंने और मेरी सिस्टर ने पूरा मतलब बचपन से लेकर जब तक हम बड़े हुए, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, तब तक हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे माता पिता को हम पर प्यार नहीं था, लेकिन ना जेब जो है ना वो अलाउ नहीं करती। हमने ना बचपन में साइकिल खरीदी और ना हमने कभी नए कपड़े पहने, तो ये हमारा, ये मेरा बैकग्राउंड है, और बताने के लिए मुझे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। उल्टा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है, एनीबॉडी कैन बिकम अ हीरो। कोई भी आदमी जीरो से हीरो बन सकता है, और मुझे नहीं पता कि आज आपका क्या सिचुएशन है, आप प्लस में हो, आप माइनस में हो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आपका सोच और आपका लक्ष्य अगर क्लियर है तो 100% जो मकाम पर आप पहुंचना चाहते हो उस मकाम पर आप पहुंच सकते हो। सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक ही पैशन, एक ही जुनून लेकर चल रहा हूं कि जो भी व्यक्ति वेल्थजेनिक्स में आएगा 100% उस परिवार को करोड़पति बनाना। और मुझे नहीं लगा था कभी भी ऐसे
कि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाएगी और ये जो आप ड्रीम देख रहे हैं ना 100 करोड़ 1000 करोड़ बहुत मामूली है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज्यादा मामूली। तीन कारण है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ध्यान से सुनिए, जमाना बदल रहा है। वो जब शुरुआत में 12 साल पहले मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था तो हम कहते थे नेम फेम मनी, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। कारण बदल चुका है। पहला कारण सिक्योरिटी, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आएंगे पता है? सिक्योरिटी के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। दूसरा कारण ग्रोथ, तरक्की, डेवलपमेंट, उसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है फ्रीडम के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आएंगे। वेल्थ जेनिक्स तूफान के जैसे मार्केट में आया है, किसी का हिम्मत नहीं है, चलने वाला कंपनी चलेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। सीएमडी सर का सोच और विजन देखिए, 16 अप्रैल लॉकडाउन में कंपनी की शुरुआत की, कितना गट्स और कितना बड़ा कलेजा होना चाहिए। एंड थैंक्स टू वेल्थ जेनिक्स फैमिली, और आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से We have reached 5000 families. जिंदगी के हर मोड़ पर अलग अलग परिस्थितियों का मुकाबला इंसान को करना होता है। और अभी का जो टाइम चल रहा है हार्डवर्क वाला इकोनॉमी नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क वाला इकोनॉमी चलेगा। जिसके पास पर्सनालिटी है, जिसके पास सेलिंग स्किल्स है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो लोगों से कैसे बातचीत करना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, टोटल जो ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट जिसकी होगी वही आदमी बड़ा पैसा कमाएगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बाहर लोग 50,000 से 1,00,000 रुपया खर्चा करते हैं, बट वहां पर जो नॉलेज दिया जाता है कंप्लीटली थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक यूनिवर्सिटी है जहां पर थियोरेटिकल कम प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है। 100 करोड़पति में 30 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से है यूएस में। सोचने वाली बात है, इंडस्ट्री इतनी भी पावरफुल है। आज के डेट में वेल्थ जेनिक्स को एक भी कॉम्पिटिशन नहीं है, ना ही हमारे सोच का कोई कॉम्पिटिशन है, ना ही हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन है, और उससे भी बड़ी बात ना ही हमारे कॉम्पनसेशन प्लान का भी कोई कॉम्पिटिटर है। और इस सिस्टम में जीतने का एक ही मंत्र है, शो द प्लान एंड फॉलो द सिस्टम, शो द प्लान एंड फॉलो द सिस्टम। कि देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाए। कि स्कॉलरशिप बोनस देने वाली इंडिया की नहीं वर्ल्ड की ये पहली कंपनी है जो सच में चाहती कि हर घर का कोई ना कोई एक व्यक्ति सीखे। आप कितने स्मार्ट हो उससे भी कई गुना ज्यादा लोगों के आशीर्वाद, लोगों की दुआएं आपके साथ कितनी है वो ज्यादा काम करता है। और हम जो काम कर रहे हैं ना, हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन जो परिवार हमारे साथ जुड़ेगा वो भी 100% इस चीज में आगे बढ़ेगा। आज तक डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया की रहो या इंटरनेशनल कोई भी कंपनी ले लो, सोचने की लोग हिम्मत नहीं करते हैं। इतना पैसा वेल्थ जेनिक्स कॉम्पनसेशन प्लान में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप देखना 110% 12 महीने के अंदर हम लोग 1,00,000 परिवार तक पहुंचेंगे। क्या यहाँ पर कोई गारंटी दे सकता है कि कोरोना वायरस दुनिया का आखिरी वायरस है? आज तो खाली मुंह बांधने के लिए बोला है, कल बोले कान भी बांधो, हो सकता है? इज इट पॉसिबल? आज लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब ये फरवरी में ये सब हो रहा था ना, चल रहा था ना, तो हम लोग तो एकदम बिंदास थे, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है। तो आज मुंह बंद है, कल बोले कि कान बंद करो, आज बोल रहे सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कल बोलेंगे मिलना ही नहीं किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ मिलना ही, करेंगे क्या? इसीलिए स्मार्टफोन के माध्यम से टीम को आदत डालिए। साथियों सच कहो तो वेल्थ जेनिक्स के निर्माण के पीछे क्या कोई मतलब? ये तो आपकी दृढ़ इच्छा थी कि
जुड़ने का और रहने का आपने जो फैसला लिया है, सच कहो तो दिल से सराहता हूं, क्योंकि वो डिसीजन आपका 100% सही डिसीजन था और आगे भी सही रहेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी नेटवर्क का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होने नए सोच के साथ, जैसे सर ने बताया कि पूरा जमाना ऑनलाइन हो रहा है, हर तरीके में समझो व्यापार करने का तरीका हो वो बदल रहा है, पढ़ाई का तरीका जो पहले था आज बदल रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है, सफर का तरीका भी ऑनलाइन हो रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का वही पूरा तरीका कैसे हो सकता है? तो वही दौर नई सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मजबूत है, पावरफुल है साथियों, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नंबर वन है। तो दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आइए मिलकर एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे इंडिया और एशिया के अंदर कि एक कंपनी एक छोड़ के जाए। आइए मिलकर एक नया कारवा खड़ा करते हैं और वेल जेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो ठाना है वो कर गुजर जाऊंगा, मैंने जो ठाना है वो कर गुजर जाऊंगा, जिद्दी हूं।